हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विंग नट, जिसे फ्लाई नट भी कहते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम विंग नट का फ्रंट, टॉप और साइड व्यू बनाएंगे, ठीक है। और लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में मुझे अपना सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। विंग नट बनाने के लिए मैंने एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है और ये हमारा विंग नट है जिसका फ्रंट, टॉप और साइड व्यू बना रखा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा इसे कैसे बनाना है। और विंग नट का हमारा डायमीटर डी है और मैं यहाँ पे डायमीटर 20 ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बॉटम से हम 2D ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे डी 20 है तो 2D हमारा 40 हो जाएगा। तो 40 का सब हमने लेंथ ड्रॉ कर दिया ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारी जो इसकी हाइट है वो कितनी है, डी है। तो डी हमारा 20 है तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ 20 मार्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने विंग नट की हाइट 20 मार्क की, जो कि डी दी हुई थी, डी हमारा 20 है, मार्क कर दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो ये ऊपर की लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, हमारा 1.5D को कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे। डी हमारा 20 है तो 30 आएगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट से 30 को ड्रॉ कर देते हैं, 15 इधर 15 इधर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने ड्रॉ कर दिया इसे 15 इधर 15 उधर, 1.5D जो था हमारा 30 निकल गया था क्योंकि डी हमारा 20 है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें, इस लाइन से मिला देंगे, इस लाइन के पॉइंट से, और इसको इससे, जैसे कि हमारा यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं मिला देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से इससे मिला दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमें डिस्टेंस कितनी है, 1.5D, जो कि हमारा यहाँ पर गिवन है। अब इस लाइन पे ही हम 1.2D को मार्क करेंगे, जो कि हमारा ये दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसपे हमारी विंग नट की विंग बनेगी, ठीक है। तो मैं मार्क करता हूँ 1.2D को, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करता हूँ 1.2D, तो हमारा कितना आता है, 24। तो 24 को हाफ, मतलब 12 इधर इस साइड करके, यहाँ से 12 इधर और 12 इधर मार्क करता हूँ मैं, ठीक है। तो हमने जो 1.2D हमारा था उसको मार्क कर दिया इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पॉइंट है 1.2D का, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से 0.4D ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों साइड से, ठीक है। 0.4D को कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं फिर से, तो हमारा 8 आया डायमीटर, सारे हम mm में ले रहे हैं तो 8 mm ऊपर ले जाएंगे। तो जो हमारा 1.2D वाला पॉइंट था वहां से 8 mm हमने ऊपर ड्रॉ कर दिया। हमारा जो ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये 1.2D था तो इससे 0.4D ऊपर ड्रॉ कर दिया, 0.4D हमारा 8 mm आया था, ठीक है। इस साइड हमने ड्रॉ कर दिया, अब इस साइड भी ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, एक्सपेंड करते हैं लाइन। इतना ड्रॉ करने के बाद हमारा क्या करेंगे, जो ये पॉइंट का एंडिंग पॉइंट है, यहां से होते हुए एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टली, इन दोनों पॉइंट से टच होते हुए। तो मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, आप देखेंगे कि यहां से जो ये आर्क हमारी है सेमी सर्कल की, इसका रेडियस कितना है, 0.6D। तो हम जो कि इस पॉइंट से होकर गई है, तो हम इस पॉइंट से 0.6D को सेंटर एक मार्क करते हैं, ठीक है। तो 0.6D हमने कैलकुलेटर में जब कैलकुलेट किया तो कितना आया, हमारा डी 20 था तो 12 आया था, ठीक है। 12 mm हम इस पॉइंट से 12 mm इधर करते हैं और इस पॉइंट से 12 mm इधर करते हैं और वहां पे एक्सिस ड्रॉ करते हैं जिस पॉइंट पे हमारा 12 mm आएगा, ठीक है। तो 0.6D हमारा 12 mm आया था तो मैंने इधर मार्क करके एक्सिस ड्रॉ किया और इस पॉइंट से 0.6D हमारा 12 mm यहाँ से मार्क करके एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे 0.6D का यहाँ पे यहाँ से डिस्टेंस लिया इस पॉइंट से, ये 0.6D की आर्क कंपास में हम खोलेंगे लेंथ की, ठीक है। और 0.6D हमारा 12 mm आया था तो यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने इस पॉइंट पे कंपास रख के 12 mm का, जो 0.6D था, उससे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट पे रखकर भी सेमी सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा दोनों तरफ सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि जो हमारा ये यहाँ से इस पॉइंट से बेस से
जो लाइन मिलाएंगे सीधी इससे नहीं मिलाएंगे हम, ठीक है। जो हमने यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ किया है इसको हल्का सा और एक्सपेंड करेंगे थोड़ा पॉइंट तक, आप अपने आप से ले लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसको इससे मिलाना है, ठीक है। तो मैं पहले एक्सपेंड करता हूँ इसे, तो मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया हल्का। अब इस पॉइंट पे अपना जो भी है ड्राफ्टर से या फिर प्रोट्रैक्टर को रखकर, और जो हमारा ये पॉइंट है जो हमने हल्का एक्सपेंड किया था सेमी सर्कल को, उसको हम मिला देंगे, ठीक है। तो हमने इसे मिला दिया, तो हमारा ये विंग नट का एक साइड की विंग बन गई, ठीक है, जैसे कि इसमें हमारा दिया है। अब इस साइड से भी हम इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये हमारा विंग नट बन गया। अब बस इसमें क्या करना है, हमें जो हमारा विंग नट का डाया है उसको एक हिडन लाइन से शो कर देंगे, और जो इसके डी के अंदर डाया है ये क्या दिखा रहा है अपना, ये अपना उसके जो थ्रेड्स कटे हुए हैं उसको दिखा रहा है, ये होता है 0.8D के इक्वल, ठीक है। 0.8D को कैलकुलेट करके फिर इसको भी मार्क कर देते हैं, पहले D को मार्क करते हैं, D हमारा 20 है, तो इससे 10 इधर 10 इधर एक्सिस से, तो और D को हिडन लाइन से शो करते हैं। तो सबसे पहले हमने D को मार्क कर दिया हिडन लाइन से, अब इसके अंदर जो इसके थ्रेड कटे हुए हैं इंटरनल जो थ्रेड है उसको मार्क करते हैं, वो कितना है 0.8D, ठीक है। तो कैलकुलेटर में 0.8D हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया, 16 आया, ठीक है। तो हम 8 इधर 8 इधर कर देते हैं एक्सिस के, और उसको भी हिडन लाइन से शो कर देते हैं। तो हमने विंग नट को हमने फ्रंट व्यू पूरा बना दिया, हमने विंग नट का फ्रंट व्यू। अब बस मैं इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूँ डी की फॉर्म में, डी आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्स में डी हमें 20 गिवन होता है, इसलिए मैंने 20 लेके बनाया है, ठीक है। तो मैं डायमेंशनिंग कर देता हूँ इसकी डी की फॉर्म में, तो ये डायमेंशनिंग कर दी, इसका फ्रंट व्यू कम्प्लीट हो गया। अब इसके बाद हम टॉप व्यू बनाते हैं, ठीक है। तो टॉप व्यू बनाने स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हम एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं हॉरिजॉन्टली। एक्सिस ड्रॉ कर लिया, अब सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा 2D का है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे प्रोजेक्शन भी ले लीजिए, या फिर यहां से इसे मेजर कर लीजिएगा और बाद में लास्ट में प्रोजेक्शन दिखा दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ सबसे बड़ा वाला, लेकिन लाइट पेंसिल से, अभी आगे बताऊंगा क्यों, क्योंकि हमें ये विंग दिखानी है, ठीक है, सर्कल से बाहर, जिसमें सर्कल अंदर से हिडन होगा, क्योंकि हमारा ऊपर से देखने पे ये पोर्शन दिखेगा लेकिन ये नहीं दिखेगा, तो यहां से इतना हिडन होगा इतने डिस्टेंस जितनी हमारी थिकनेस होगी विंग की, ठीक है। तो मैं 2D का सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सबसे पहले हमने 2D का सर्कल ड्रॉ कर दिया जो ऊपर से दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम जो हमारा ये सर्कल है इसके बाद 2D के बाद ये हमारा 1.5D का ये वाला यहां से यहां तक का, ठीक है। तो इसे ड्रॉ करता हूं मैं, तो 1.5D का सर्कल ड्रॉ करने के लिए इसको मेजर कर लेता हूँ, ये जो हमारा 1.5D है यहां से यहां तक, ठीक है, इसे मेजर कर लिया। अब इस सेंटर पे रख के एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये भी लाइट पेंसिल से। तो हमने 1.5D का भी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद कौन सा सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, हमारा टॉप व्यू में दिया हुआ है ये डी, जो डी डायमीटर है यहां से यहां तक, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये डी क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ऊपर से हमें होल दिखेगा डी का, तो ठीक है, तो डी हम ड्रॉ करते हैं इसे। फ्रंट से देखने पे तो ये हिडन दिख रहा है, लेकिन ऊपर से देखने में हमें होल दिखेगा, इसलिए इसे डार्क लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डी ड्रॉ करने के लिए यहां से इसको मेजर किया डी तक, ठीक है, और यहां से सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, डायमीटर का सर्कल भी ड्रॉ कर दिया। अब इसका जो इंटरनल थ्रेडिंग है इसका सर्कल ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसको हल्का सा ओपन रखेंगे, क्योंकि इंटरनल थ्रेडिंग शो करने का ये साइन होता है, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, तो मैंने इंटरनल थ्रेडिंग का सर्कल ड्रॉ कर दिया और इसको हल्का सा यहाँ से ओपन रखा है, जो कि हमारा इंटरनल थ्रेडिंग शो करता है। उसको इंटरनल थ्रेडिंग का सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैंने इसको यहाँ से इतना मेजर किया था, ठीक है, और इसको ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे टॉप व्यू के सर्कल्स के काम हो गए, अब हमें विंग बनानी है टॉप व्यू में कैसे दिखेगी। तो विंग बनाने के लिए यहां से नीचे प्रोजेक्शन लेंगे और एक बार यहां से प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है, और हमारे विंग की थिकनेस है 0.2D, पहले प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ का प्रोजेक्शन लेते हैं, प्रोजेक्शन हमने ले लिया। अब इसके बाद इस पॉइंट से लेंगे, फिर इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये प्रोजेक्शन ले ली यहां से, फिर इसको यहां से ली, फिर इस वाले पॉइंट से हमने यहां पे प्रोजेक्शन ली, और फिर इस वाले पॉइंट से यहां पे। अब इसमें हम विंग ड्रॉ करेंगे, यहां से लेंथ शुरू होके यहां पे खत्म होगी, और यहां से शुरू होके यहां पे खत्म होगी, जिसकी थिकनेस हमारी कितनी होगी 0.2D। तो कैलकुलेटर में 0.2D कैलकुलेट करते हैं,
0.2D हमारा 20 है तो 4 mm आया, ठीक है। तो 4 mm को हम डिवाइड करेंगे 2 mm नीचे 2 mm ऊपर, ठीक है, और फिर इसको यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। 2 mm नीचे 2 mm ऊपर करके हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसे हल्का सा कर्व देंगे, ठीक है, फ्री हैंड। आप इसे कंपास से भी दे सकते हो, लेकिन इतना छोटा डायमेंशन बहुत थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसे फ्री हैंड दे देना। तो इसे हमने ड्रॉ कर दिया कर्व और डार्क कर दिया इसे, ठीक है। सेम है, हम इधर भी ड्रॉ कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमने ड्रॉ कर दिया। अब जो हमने सर्कल ये सबसे बड़े वाले और फिर इसके बाद 1.5D का ये वाला बनाया था, 2D का ये वाला और 1.5D का ये वाला, इसको हम डार्क करते हैं। यहाँ से डार्क करना स्टार्ट करते हैं, इतने पोर्शन को हम छोड़ देंगे जो कि विंग के अंदर है, ठीक है, और बाकी को डार्क कर देते हैं हम। तो मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने ये डार्क कर दिया, अब इसकी सिर्फ नेमिंग कर देता हूँ, बाकी तो आप इसके प्रोजेक्शन आप नीचे ले सकते हैं, तो उसकी डायमेंशनिंग करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशनिंग में मैं सिर्फ 0.2D दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 0.2D दिखा दिया और हमारा ये टॉप व्यू बन गया। अब इसके बाद हम साइड व्यू बनाते हैं। तो साइड व्यू बनाने के लिए सबसे पहले एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे, एक यहाँ से प्रोजेक्शन इसे खींचेंगे और एक इस पॉइंट से खींचेंगे, ठीक है। पहले प्रोजेक्शन ले लिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंथ हमारी 2D है, तो हम यहाँ पे नीचे पहले 2D ड्रॉ कर देते हैं, फिर उसके बाद ऊपर की हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1.5D, ठीक है। तो ऊपर से यहाँ से 1.5D ड्रॉ कर देते हैं और जैसे इसको इस पॉइंट से मिलाए, इस पॉइंट से मिलाए, ऐसे मिला के बना देते हैं, ठीक है। तो इतना हमारा बन गया ये पोर्शन हमारा, ये भी सेम ऐसा दिखेगा क्योंकि ये हमारा डायमीटर फॉर्म में है, तो साइड व्यू से भी हमारा सेम दिखेगा। अब इसमें चेंज कहाँ आएगा, हमारा ये विंग में चेंज आएगा, लेकिन उससे पहले हम इसको हिडन लाइन से डायमीटर शो कर देते हैं, डी और 0.8 dB, ठीक है। यहाँ पर मैंने डी शो किया हुआ है सिर्फ, लेकिन इसके अंदर हमें जो थ्रेड हमारा कटा हुआ है इंटरनल थ्रेड, उसको भी शो करना है, ठीक है। तो मैं हिडन लाइन से डी शो कर देता हूँ और फिर उसके बाद इंटरनल थ्रेडिंग भी हिडन लाइन से। तो सबसे पहले डी शो कर दिया मैंने हिडन लाइन से, अब इसके अंदर इंटरनल थ्रेडिंग 0.8D शो कर देता हूँ। 0.8D हमारा कितना आया था, 16 आया था, डी हमारा 20 है, तो इसको शो कर देता हूँ मैं। तो इसको मैंने शो कर दिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम अपने टॉप व्यू में देखेंगे इसकी विंग बनाने के लिए। इसकी विंग हमारी स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, हमारा फ्रंट व्यू से पता चला स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लेकिन इसकी थिकनेस और एंडिंग पॉइंट ये है। तो इसका पोजीशन हम सबसे पहले लेते हैं, तो इसका एंडिंग पॉइंट का पोजीशन ले लिया और स्टार्टिंग पॉइंट हमारे विंग का ये है, ठीक है। अब इसके बाद हमें थिकनेस बनानी है, थिकनेस हमारी कितनी है 0.2D, 0.2D हमारा कितना था 4 mm, हाँ 4 mm था हमारा। तो 4 mm हम टू इधर डिवाइड करते हैं और इस लेंथ तक बढ़ाते हैं, ठीक है। तो 4 mm को बनाने के लिए हमने 2 mm इधर डिवाइड किया लेफ्ट हैंड साइड और 2 mm राइट साइड, ठीक है। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं ऊपर तक, तो ये ड्रॉ किया और फिर दूसरी पॉइंट से इसे हमने ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ से पोर्शन ये हल्का यहाँ से फिलेट मारेंगे क्योंकि कर्व की फॉर्म में है, तो फ्रंट व्यू से हमारा साइड व्यू से हमारा कर्व में दिखेगा। तो हम यहाँ से हल्की फ्री हैंड फिलेट मार देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन ऐसा बन गया, अब इसे डार्क कर देता हूँ मैं, ये हमारा साइड व्यू बन गया। अब इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूँ डी की फॉर्म में, ठीक है, जैसे कि सेम है इसमें है। तो हमने साइड व्यू में भी डायमेंशन दिखा दी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा विंग नट, ठीक है, जिसका फ्रंट व्यू हमने बनाया, टॉप व्यू और साइड व्यू पे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करके आप मुझे बता, और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।